Hello, dear students. Good morning, all of you. I hope you fit and fine. I will explain you. पंजाबी पाठ पुस्तक सुनहरी बोली सेवेंथ ग्रेड लेसन नंबर सेकेंड नमा सबक जो के सतवंत सिंह दा लिखी हुई कहानी है। आओ आपां इस अज कहानी नू पढ़ांगे अते इस तो कुछ नवी सिख्या प्राप्त करांगे। नमा सबक। अज अरविंदर बहुत उदास सी, इसका कारण सी उसकी हार। जेहड़ा अरविंदर बैडमिंटन विच ट्राफी जित के लियांदा सी अज ओ हार गया सी। अज जदो ओ स्टेट पद्धर ते बैडमिंटन टूरनामेंट विच भाग लैण गया सी तां बहुत खुश सी। उसनू पूरी उम्मीद सी कि ओ ए टूरनामेंट जरूर जीतेगा, पर ओ ते पहला ही मैच हार गया। जदो उसने जिले दा टूरनामेंट जीतिया सी तां उस तों खुशी सांभी नहीं सी जा रही। उसके अध्यापक बहुत खुश सन, उसके मम्मी पापा सब दियां वधाइयां मुबारकां कबूल कर रहे सन, पर अज दी हार ने उसनू की कर दिता, निराश कर दिता। कहिंदे जिहड़ा रविंदर सीगा ओ बैडमिंटन दा इक बैस्ट खिलाड़ी सी, ठीक है। वह तो ट्राफी जितने लिए की उन्हें मैच के भाग लिया। पहला उन्हें बहुत सारे जोड़े मैच ने जितते ने, पर यह मैच वह की है फस्ट ही मैच हार गया। पहला वो मापे कहने सब दया वधाइया मुबारक कबूलते, पर इस बार की आना माँ प्यो अरविंदर निराशा का मूह देखना पाया। इस करके अरविंदर की सी बहुत ही ज्यादा उदास सी। जो मूह लटकाई घर आ रहा सी, उस दे सहपाठियां ने उसनू बड़ा हौसला दिता, पर हार दा गम उसके दिल अंदर किया घर कर गया सी। घर आके उसने रोटी तक ना खाधी। उसकी मम्मी ने उसनू बड़ा समझाया, पर सब बेकार। वह चुपचाप अपने कमरे विच किया बैठा रहा। कहिंदी उदास चेहरे नाल किया घर आ गया। उसके जेहड़े जमाती सीगे सहपाठी भाव जमाती, उन्होंने भी उन्होंने बहुत हौसला दिता, पर जेहड़े दुख सीगा कहिंदे उहदे मन दे विच उहदे घर उहदे मन अंदर की है घर कर गया सी, भाव वह दुख उहदे मन दे विच ही बैठ गया सी। उसने घरे घरे आके रोटी भी नहीं खाधी, उसनू बड़ा समझाया गया पर वह ना समझिया। शाम नूं उसके पापा दफ्तर तो आ गए। अरविंदर दी हार बारे उसकी मम्मी ने अपने पति नूं टैलीफोन राही दस दिता सी, पर उन्हां नूं ए आस नहीं सी कि अरविंदर हार कारण इन्ना उदास हो जाएगा। अरविंदर दे पापा उसके कमरे विच आ गए ते सब कुछ जानते हुए भी अनजाण बनते हुए बोले, किद्दां रहा मेरे शेर पुत्र दा मैच? अरविंदर ने सिर उच्चा ना किया ते चुप रहा। ठीक है, फिर ये सारी जो भी गलबात सी वी अरविंदर मैच हार गया, ठीक है, वह घर आया, उन्हें रोटी नहीं खाधी, उसकी मम्मी ने पहला ही उसके पापा नूं फोन करके दस दिता सी। अरविंदर बहुत ही ज्यादा उदास सी। जदों उसका पापा घर आया उन्हें ए अनजाण जे बनते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र का मैच किदा रहा, ठीक है। उन्हें नहीं दस्या सी उसके पापा ने कि मैनू ये गल पहला ही पता लगी है कि वह मैच हार गया है। मेनू सब पता कमलिया, हार जित दा जीवन दा हिस्सा है। यह हारा ही मनुख दीआं जित्तां दा मुढ बन दीआं हन। दुनिया दा कोई भी इंसान अजिहा नहीं जो कदी हारिया ना होवे। जिन्ने वड्डे लोग हुंदे हन ओह कदी ना कदी अपने जीवन विच जरूर हारे हन। तूं भी उहनां वर्गा ही है। अरविंदर दे पापा बोलदे गए पर ओह चुप बैठा सी। इन्नी देर नूं अरविंदर दी मम्मी दो कप दुध ते बिस्कुट ले आई, ठीक है। उसके पापा ने कहा भी जो कोई भी आपां उचाई तक पहुंचना, कुछ खास प्राप्त करना, अपने टीचे ते पहुंचना, तो साडे राह विच बहुत सारिया मुश्किलां आउंदियां ने, सानू बहुत सारिया हारां दा सामना भी करना पैंदा, पर सानू उहनां हारां अगे झुकना नहीं चाहीदा अते ना ही उदास होना चाहीदा आ। सानू अगे ही अगे की आ वधदे रहना चाहीदा। देखो जी, मैं इसनू बहुत समझाया कि कोई गल नहीं, तू होर मेहनत कर, अगली बार जरूर जित जावेगा, पर इस उत्ते कोई असर नहीं। उसकी मम्मी ने किया दुध का कप रखते हुए किनू कहा? अरविंदर नू कहा, क्योंकि उस टाइम उहदे पापा भी कोल बैठे सन ना। अज मैं अपने पुत्तों ने एक कहानी सुनाउंदा हां। यह कहानी प्रसिद्ध राजा बरूस बारे है। तू यह कहानी ध्यान नाल सुन अते फिर तू आपे समझ जावेगा जीवन विच हार के दिल नहीं ढालना चाहिदा, सगो ज्यादा मेहनत करनी चाहीदी है, ठीक है। हुण उहदे पिता जी की आ अरविंदर नूं एक राजा बरूस की कहानी सुना रहे सन। इस तरह पता लगे कि आखिर जित किसकी हुंदी है ते क्यों हुंदी है। पापा ने प्लेट विचों बिस्कुट चुक के खाना शुरू कर दिता। बेटा अरविंदर, जदों असी पढ़ते हुंदे सी तां अंग्रेजी विच इक कहानी हुंदी सी, किंग ब्रूस एट द स्पाइडर। अज मैं तेनू ओ कहानी सुनाउंदा हां। अरविंदर ने सिर चुक के पापा वल वेख्या, पर उसने कोई हुंगारा ना भरे।
ठीक है, उसके पिता ने कहानी सुनानी शुरू की। हाँ उसका ध्यान जरूर अपने पापा दी गल्लां वल सी, उसनू नमोशी इस गल दी सी कि उसने अपने पापा नाल मैच जीतण दा वादा किया सी। उसनू शर्मिंदगी सी कि उन्हें अपने पापा नाल वादा किया सी कि मैं यह मैच जरूर जीतांगा, परंतु वह की है मैच नू हार गया, इस करके वह बहुत ही ज्यादा दुखी सी। बेटा जी बहुत समय पहला की गल, एक राजा हुंदा सी जिसका नाम सी ब्रूस, वह अपना राज बहुत चंगी तरह चला रहा सी। एक दिन अचानक ही उसने सुइयां ने खबर दिती, ठीक है भाव उसके जो खबरी सी उन्होंने की है उन्होंने एक खबर दी कि गवांडी राजा ने उसके राज उत्ते की कर दिता, हमला कर दिता है। राजा ब्रूस खबरदार हो गया अते उसने अपनी फौज नू मुकाबला करन लई कहा। उसने उसके सैनिक बड़ी बहादुरी नाल लड़े पर अंत की आ हार गए। ठीक है, ये राजा नहीं देखो डरिया नहीं गा, अचानक उसके राज उत्ते हमला होया, बट उन्हें अपने सैनिकां नू की किया बड़ी बहादुरी नाल लड़न नू कहा, बट उहदे जिहड़े सैनिक की सी कि अंत नू हार गए सी क्योंकि वह अचानक ही हमले का मुकाबला करने लिए पूरी तरह किसी तैयार नहीं सन। उन्होंने ना कोई ट्रेनिंग सी ना ही हथियार सी। राजा ब्रूस नू अपनी राजधानी छड़ के किया भजना पिया। उसके बहुत सारे सैनिक उसके नाल ही चल पे। उसने अपने हारे हुए सैनिकां नू इकट्ठे किया। उसने गुआंढी राजा तो अपना राज वापस लैण लई हमला कर दिता पर वह हार किया। विरोधी राज्य दीआं फौजां ने उसका पिछा किया। वह अपनी जान बचाने लई पहाड़ की एक गुफा विच किया लुक गए। राजा ब्रूस निराश होया, वह गुफा विच बैठा अपनी हार के कारणों बारे सोच रहा सी। हुण गुफा विच बैठा सोच रहा सी कि मेरी हार हुई, क्यों हुई, किस करके हुई। अचानक उसकी नज़र दीवार ते जा रही एक मकड़ी उत्ते पई। जदों गुफा विच बैठा सी एक दीवार ते एक मकड़ी जा रही सी। राजे दी नज़र उस दीवार ते जा रही उस मकड़ी ते पई जो उपर चढ़ रही सी। वह गुफा दी छत उत्ते बने जाले वल जाना चाहती सी। वह की आ मकड़ी नीचे तो उपर जा रही सी ते अपने जाले तक पहुंचना चाहती सी, पर जिवें ही वह अपने जाले कोल पहुंचती अचानक हेठा की आ डिग पैंदी। अजिहा एक बार नहीं सगो कई बार होया। मकड़ी हौली हौली उपर चढ़ती चढ़ती पर जाले दे नेड़े पहुंच के वह की आ हमेशा नीचे डिग पैंदी। उसने अपनी कोशिश ना छड़ी, वह मेहनत करती रही कोशिश करती रही परंतु वह हारी नहीं हैगी, चढ़ती रही ते गिरती रही। हुण राजा ब्रूस उस पल बड़े ध्यान नाल देख रहा सी। उसने देखिया आखिरकार मकड़ी अपने जाले तक पहुंचने विच की आ सफल हो जाती है। इस घटना तो राजे नूं इक सबक मिलिया भाव इक सिक्ख्या मिली। मकड़ी की सफलता ने उस दीआं अखां विच चमक ले आंदी भाव एक नवी उम्मीद ले आंदी। उसका चेहरा खिड़ गया, वह सोचण लगा कि एक जंतु विच इन्नी हिम्मत आ तां मैं ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकदा। मैं एक इंसान हाँ, मेरे कोल अकल ते हिम्मत है, मेरे कोल मेरे वफादार सिपाही हन, मैं भी कोशिश करांगा तां अपना राज वापस लै के ही रहांगा। अगली सवेर वह गुफा विचों निकलिया। उस अंदर नवा जोश सी। उसने अपने सैनिकां नूं इकट्ठे कीता, उन्हां नूं अपना राज वापस लैण लई प्रेरिया भाव उन्हां नूं सिक्ख्या दित्ती। उसने सैनिकां विच वी इक नवा जोश अते नवी हिम्मत आ गई। उन्हें कहा कि जदों एक मकड़ी इन्नी हिम्मत करने के बावजूद अपने जाले तक पहुंच सकती है तो कहिंदा मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे को अकल आ दिमाग आ, परमात्मा ने मैनू हाथ पैर भी दिते ने। कहिंदा मैं भी कोशिश करांगा दोबारा तो अपनी जिहड़ी सैनिक ने उहदे उन्हां नूं ट्रेन करांगा अते कहिंदा मैं भी अपना राज वापस जरूर लैके ही रहांगा। लड़ाई शुरू हुई। इस बार राजा ब्रूस ने पूरी तैयारी ते जोश नाल विरोधी राज ते नराजा ते हमला कर दिता। विच अचानक हमले लई विरोधी राजा तैयार नहीं सी। बड़ी घमसान की लड़ाई हुई दोहां पासों अते अणगिणत सैनिक मारे गए। कहिंदे लड़ाई शुरू हुई, दोनों पासों बहुत सारे हथियार चले अते बहुत सारे जिहड़े सैनिक की ने जख्मी हो गए। विरोधी राजा घबरा के अपने पुराने राज विच की आ भज गया। उस दा सैनापति मारिया गया। सैनिक अपने सैनापति की मौत हो जाण नाल घबरा गया अते ओ भज निकली। इस बार राजा ब्रूस जित गया। देखो हुण पहला राजा हारिया सी, ओ हिम्मत हार गया सी, उहने एक मकड़ी तो सिक्ख्या लिती अते दुबारा कोशिश कीती अते हुण ओ लड़ाई करन दे नाल अते हिम्मत दे नाल की आ जित गया सी। क्यों आई समझ, अरमिंदर दे पापा ने उसनू पुछया, चल उठ ते अपनी प्रैक्टिस शुरू कर, सफलता जरूर तेरे पैर चुमेगी। पर पापा अरविंदर ने चुप तोड़ी, पर कुछ नहीं बेटा, तेनू समझ आया ना कि सफलता ते असफलता जिंदगी दा की आ हिस्सा ने। कहिंदे
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਬਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ MS ਧੋਨੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੀ ਆ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵਧੋ ਕੀ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਤੇਰਾ ਕੋਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ। ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਖੇਡੋ, ਹੋਰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਘੁੱਟ ਭਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਸ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਰੂਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕੜੀ ਵਰਗੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਂਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ, ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਹੈ ਫਸਟ MCQ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਤਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਕਰਕੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ? ਇਹਦਾ ਹੈ ਉਦਾਸ ਸੀ ਹਾਰ ਕਰਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ? ਰੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀ, ਰਿੱਛ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ, ਤਿੰਨ ਮਿੱਤਰ ਦੀ, ਰਾਜਾ ਬਰੂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸਪਾਈਡਰ? ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਬਰੂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸਪਾਈਡਰ। ਰਾਜਾ ਬਰੂਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ? ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ? ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ। ਆਖਰ ਮੱਕੜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਲੇ ਤੱਕ, ਸਤੀਰੀ ਤੱਕ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ? ਜਾਲੇ ਤੱਕ। ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡੈਸ਼ ਸੀ, ਉਦਾਸ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਡੈਸ਼ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਲਟਕਾਈ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਰੂਸ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਬਰੂਸ ਅਤੇ ਮੱਕੜੀ ਵਾਲੀ। ਸੈਨਿਕ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਪਰ ਅੰਤ ਡੈਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਬਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਆਖਰ ਮੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਾਲੇ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਠੀਕ ਗਲਤ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਸ਼ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸਪਾਈਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਵਾਕ। ਫਸਟ ਹੈ ਉਦਾਸ। ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਉਣਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਹਾਰ ਦਾ ਗਮ ਅਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਮੋਸ਼ੀ,
राम नमोशी भरिया नजरां नाल अपने आप नूं वेख रहा सी। नमोशी हुंदा आ शर्मिंदगी जां तरस भरिया कह सकदे आ, ठीक है। सबक मिलना, अरविंदर दे पापा ने कहा कि हार तो ही जित दा की है सबक मिलदा है, भाव नवी सिक्ख्या मिलदी है। निराश प्रकाश मैच हार जाण कारण बहुत की सी निराश सी, भाव शर्मिंदा सी। अखां विच चमक आउणी पापा दी गल सुन के अरविंदर दी अखां विच की आ गई, एक अलग ही चमक आ गई। सफलता मेहनत करन नाल ही की है सानू सफलता प्राप्त हो सकती है। अगे है बच्चियो शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट है, अरविंदर दे जिला पद्धर ते जित हासिल करन ते कौन कौन खुश सी। अरविंदर दे मम्मी पापा अते उस दे अध्यापक की सी उस बहुत ही ज्यादा खुश सन। किस चीज का गम अरविंदर दे दिल अंदर घर कर गया सी। हार दा गम उस दे दिल दे अंदर की कर गया सी, घर कर गया सी, ठीक है। पापा ने दफ्तरों आके उस नू की पुछया, पापा ने दफ्तर तो घर आके अनजाण बनदिया पुछया किद्दां रहा मेरे शेर पुत्र दा मैच। पर अरविंदर की सी सिर नीमा करी चुप करके बैठा सी, ठीक है। पर उहदे पापा नू सब कुछ पता सी, पर फिर भी उहने अनजाण बन के अपने पुत्र नू ए पुछया सी। अगे नैक्सट है, अरविंदर दे पापा ने उसनू किस राजे की कहानी सुनाई। अरविंदर दे पापा ने उसनू अंग्रेजी की एक कहानी किंग ब्रूस एट द स्पाइडर जिहड़ी हैगी सी कहानी सुनाई। अरविंदर ने अपने पापा नाल की वादा किया, अरविंदर ने अपने पापा नाल वादा किया, केड़ा वादा किया सी, मैच जितण दा वादा किया सी। हारां विचों ही जित्तां निकलदियां हन किवें, कहिंदे हार जित जरूरी हन। अज दी हार तुहानू कल दी जित लई की करदी है, तैयार करदी है। भाव तुसीं इक नवां सबक सिखदे हो, जे तुसीं अज हारोंगे तां उस दी वध तों वध तैयारी करोगे, कोई कमी पेशी नहीं छड्डोगे अते तुसीं जरूर इक दिन जितोगे ही जितोगे। अगे है लॉन्ग क्वेश्चंस, राजा ब्रूस नू अपना राज क्यों छड़ना पिया। गवांडी राजे ने उस दे की आ हमला कर दिता सी। राजा ब्रूस ने अपनी फौज नू मुकाबला करन लई कहा, परंतु वह की है हार गए। इसलिए राजा ब्रूस नू अपना की है राज छड़ना पिया सी, ठीक है। इस करके एक बार राजा ब्रूस हार गया सी, परंतु वह सैकेंड टाइम की है जीतिया भी जरूर सी। राजा ब्रूस नू किस तो प्रेरणा मिली अते उसने की किया। राजा ब्रूस नू गुफा विच एक मकड़ी तो प्रेरणा मिली जो बार बार कोशिश करन ते डिगण मगरों अपने जाले तक पहुंच जाती है। राजे नू इस घटना तो सबक मिलिया अते पूरे जोश ते हिम्मत नाल विरोधी राजे ते हमला किया ते अंत जित प्राप्त कर ली। पहला राजा बड़ा ही निराश सी, उदास सी, परंतु फिर उन्हें एक मकड़ी दिखी, उन्हें देखा कि वह बार बार डिगदी है, फिर अंत अपने जाले तक पहुंच जाती है। कहिंदे जदों मकड़ी ही हिम्मत नहीं कदे हारदी तां कहिंदा मैं तां इक इंसान हाँ, मेरे को तां परमात्मा दा दित्ता सब कुछ है, तां मैं क्यों भी हिम्मत। अगले दिन जो राजा ब्रूस गुफा विचों बाहर निकलिया तां किस चीज नाल भरिया होया सी। अगली सवेर जो राजा गुफा चो बाहर निकलिया तां उस अंदर नवा जोश अते हिम्मत उस विच भरिया होया सी। हुण उसने पूरा मन बना लिया सी कि वह पूरी कोशिश करेगा, कोई कमी नहीं छड्डेगा, इस बार मैच जीतेगा ही जीतेगा। अरविंदर दे पापा ने उस नूं हौसला दिंदिया की कहा। अरविंदर दे पापा ने उस नूं हौसला दिंदिया कहा कि हार जित जीवन दा की हुंदिया हन, इसां हुंदिया हन। दुनिया दा कोई भी इंसान अजिहा नहीं जो कदे ना हारिया होवे। कहिंदे हर कोई इंसान इक ना इक वार जरूर हारदा, हार जित जरूरी है। अज दी हार तुहानूं कल दी जित लई तैयार करदी है। बच्चे ये सी तुहाडा बुक वर्क। तुसीं इस कहानी तो बहुत कुछ सीखिया होएगा, हजे तुसीं अपनी जिंदगी दे विच बहुत कुछ प्राप्त करना। मैं इहनूं इही उम्मीद आ कि तुसीं हिम्मत करते रहोगे ते अपनी मंजिल तक पहुंचते रहोगे। हुण तुसीं इस लैसन नूं छुट्टियां दौरान घर बह के चंगी तरह तैयार करना तां जो आने वाले पेपरां दे दिनां विच तुहानूं कोई भी प्रॉब्लम ना होवे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।